पद यात्रा के दौरान सरपंचों, पार्षदों व नागरिकों के द्वारा जवाहर यादव का जोर शोर से स्वागत किया गया। हजारों की तादाद में पहुंचे जवाहर यादव के समर्थक मोदी मनोहर सरकार की जनहितैषी नीतियों के जन जागरण अभियान के तहत जवाहर यादव की अगुवाई में पदयात्रा निकाली गई थी। पदयात्रा के दौरान जवाहर यादव का जगह जगह पर लोगों ने स्वागत किया। यह पदयात्रा फरुख नगर अनाज मंडी से शुरू होकर राजीव चौक पर समाप्त की गई। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, मोदी मनोहर जिंदाबाद के नारे लगातार लोगों ने जवाहर यादव का अभिनंदन करते हुए लगाए। हजारों की तादाद में पहुंचे लोगों ने भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। आज जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था ऐतिहासिक शहर फरुख नगर। क्या फिर देश में होगी तीसरी बार भाजपा सरकार? आज फरुख नगर शहर के अंदर जवाहर यादव के द्वारा निकाली गई पद यात्रा ने चक्का जाम कर दिया। हजारों लोगों के हाथ में मोदी मनोहर व प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की तस्वीरें देखने को मिल रही थी। राजीव चौक पर पहुंचने पर जवाहर यादव का फूल माला के साथ भव्य स्वागत किया गया। कि मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी जिस भाई से आप रागनी सुन रहे थे रविंदर जी, आज इनकी बेटी की शादी है और ये इस प्रोग्राम में है। इससे पता चलता है कि जवाहर टीम की ताकत कितनी मजबूत है और कितनी बड़ी है। आज इनकी बेटी की शादी है और व्यक्ति यहाँ पर है, तो मुझे लगता है कि आज ऐसे अगर लोग हमारे पास है तो आने वाला समय 2024 तुम्हारा, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। मंच पर बैठे एक मैं समा चाहूंगा, अगर ऐसे बहुत से मित्र हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, समय की मर्यादाएं हैं क्योंकि रोहतक हमारी मीटिंग है, मुझे उसमें भी जाना है। और कुछ हमारे जो मंडल अध्यक्ष, आज चाहे वो भूपेंद्र जी थे, चाहे जयवीर जी थे, चाहे पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील जी थे, चाहे भूपेंद्र जी थे, वो सब लोग इसमें आए, परंतु गुड़गांव में एक भाजपा की मीटिंग होने के कारण बीच से वो गए, सब मुझसे मिलकर गए। ऐसे मेरे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष जो बादशाहपुर विधानसभा के थे यहाँ पर आए थे, हमारे सरपंच मोहम्मदपुर से राकेश जी, सोमवीर जी सरपंच सुल्तानपुर से, श्री नरेंद्र सरपंच जी कालियावास से यंग साथी हमारे, पृथ्वी सरपंच जी भी युवा साथी हमारे, खेटावास के सरपंच है हरकेश जी, ब्लॉक समिति मेंबर बबली जी को आपने सुना ही है, सतबीर जी और पीछे आ रहा था नाम नीचे, सतबीर जी मुबारकपुर, फरुख नगर से हमारे बहुत से पार्षद साथी यहाँ पर मंच पर है, जितेंद्र सैनी जी है, पार्षद जसवंत सिंह जी है, देवकरण पार्षद जी है, मोतीलाल वर्मा जी नंबरदार है, सतपाल अरोड़ा जी को आपने सुना ही मंच से अभी, नरेश नंबरदार जी है, बीरबाल सैनी जी है, और बहुत सी मेरी टीम ऐसी है जो कहती है जिनकी इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो मंच पर भी है, वो कहती है जी आपने हमारा नाम नहीं लेना है, हम पर्दे के सामने रहेंगे पर नाम के बगैर रहेंगे। वो कहते हैं कि जवाहर यादव का नाम आ गया तो मान ले कि हमारा नाम आ गया। ऐसे सब मेरे मित्रों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहन की जो हक होता है वो दिलाने वाला होता है। आप में से कोई ऐसा है जिसको मेरे कैंप में आया हो और उसको पीले राशन कार्ड मिले हो? कोई ऐसा है तो हाथ खड़ा करो। ये देखिए ये कितने लोग हैं जिन्होंने हमारे कैंप में आके पीला राशन कार्ड लिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पोर्टल के जादू से। जिनका जिनका बन गया उनकी बात कर रहे हैं और जिनका नहीं बना होगा उसको बनाएंगे। आज फरुख नगर की बात हम करें तो देखिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हो चाहे मोदी जी हो, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी की चिंता की है वो महिला की चिंता की है, वो गरीब की चिंता की है। आज कोई घर ऐसा है क्या जिसके घर में शौचालय नहीं है? कोई घर है आज तक ऐसा? ये शौचालय की अगर किसी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, शौचालय किस घरों में नहीं थे? गरीब के घर में नहीं थे। और शौचालय की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो महिलाओं को थी। हम सब गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं और मुझे याद है
मैंने भी वो कर रखा है कि जब मैं अपने गांव जाता था तो लोटा लेके या बोतल लेके जाता था, आज कोई आपको बोतल या लोटा लेकर गली से निकलते हुए कितने लोग नजर आते हैं? और आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले आप में से कोई नहीं है जो लेके ना गया हो, सब गए। तो ये गरीब को ये कहना कि उसकी इज्जत, गरीब की इज्जत भी इज्जत होती है, अगर इसी किसी ने इसको समझा, इस दर्द को किसी ने समझा, तो उसका नाम मोदी है। उसने कहा कि मेरी बहन बेटी शौचालय के लिए अगर घर से बाहर जाना पड़े और आजादी के 70 साल बाद भी जाना पड़े तो इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अगर महिलाओं को सम्मान देने का काम किसी ने किया है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ऐसे जब हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार होती है तो उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का नाम भी उसमें आ जाता है। केवल आपको शौचालय नहीं दिए, कोई घर ऐसा है जिसमें जो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज जा रही है, जिसके घर में गैस नहीं है, अगर आज सबके घर में गैस है, इस दर्द को किसने समझा? जब मैं गांव में जाता था, मैं शहर में रहा, मेरा लंबा जीवन शहर में बीता। ये जो इधर दो तीन बहनें बात कर रही है, मेरे बात कर लेना बहन, मैं ज्ञान लेता हूं, मुझे समझा देना बाद में। एक घर ऐसा नहीं होगा जिसमें गैस नहीं है। आज आप देखते होंगे, क्योंकि आप फिर सब गांव के लोग हो, जब हमारी मां, हमारी ताई, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी मामी, ये शब्द मैंने इसलिए किए, या मेरी बुआ, जिन जिन के घर में मैं, या तो मेरे घर थे भाई, ताई का घर मेरा होगा, चाची का घर मेरा होगा, मां का घर मेरा, परंतु जब मैं अपने मामा के यहां गया, या मैं अपनी बुआ के यहां गया, या अपनी नानी को देखा, दादी को देखने का मुझे ज्यादा अवसर नहीं मिला, बच्चा था, याद इतनी नहीं है, इन सब जब ये खाना बनाती थी तो मैं देखता था कि फूकनी लेकर उसमें हवा मारती रहती थी, चूल्हे को जलाती रहती थी, और उनके आंख से आंसू बहते रहते थे और हमें खाना देती रहती थी। अगर हमारी मां को, अगर हमारी नानी को, अगर हमारी बहन को, अगर हमारी भाभी को, अगर हमारी मामी को, इनके आंखों से आंसू बंद किए हैं, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। पुराने लोगों ने केवल गरीबों की बात की होगी, केवल गरीबों की बात की है। अगर गरीबों को समाधान किसी ने दिया है तो उसका नाम मोदी है। गरीब को क्या चाहिए? एक गरीब अगर बीमार होता था, एक गरीब अगर बीमार होता था, मुझे घटना याद आती है, एक ब्राह्मण कार्यकर्ता है, हमारी इस बच्ची का नाम नहीं लूंगा, भिवानी की कार्यकर्ता है मेरी, जब मैंने उसकी बात सुनू, मेरी आंखों में आंसू आए थे जिस दिन वो अपनी पीड़ा बता रही थी। उसके सगे ताऊ जी को, हमारी भिवानी की कार्यकर्ता शर्मा उसके पीछे लगता है, उसने कहा, उसको पता चला मेरे घर में भी दो लोग बीमार थे, तो उसने अपनी पीड़ा बताई और उसने मुझे कहा, भैया मेरे ताऊ जी के बीमारी का डॉक्टरों ने बजट बताया 20 लाख रुपए, उनको कैंसर था, और कहते जब उनको पता चला कि बीमारी है, घर के लोगों ने कहा कि उसका इलाज होना चाहिए, और एक दिन सुबह वो दरवाजा नहीं खुलता है, और जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो जिसको कैंसर था वो फांसी पे लटका होता है, और वो जो चिट्ठी मिलती है वहां पर, वो चिट्ठी में लिखा था कि मेरे दोनों बेटों की सारी संपत्ति अगर वो बेच देते हैं तो 20 लाख इकट्ठे होंगे, मैं कितना जिंदा दिन रहूंगा नहीं रहूंगा इलाज के बावजूद भी, पर मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरी पोतियां सड़कों पर आ जाएंगे। अगर उसकी घटना ने मुझे रुलाया था, परंतु वो लोग का इलाज हो सके, गरीब का इलाज हो सके, तो एक आयुष्मान कार्ड दिया जिससे गरीब का इलाज हो सके, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पैसे किसी सरकार ने दिया हो तो बताओ। फिर जब मैं कहता हूं डबल इंजन की सरकार, खट्टर जी ने कहा कि, मोदी जी ने कहा कि जो 10,000 रुपए महीना देते हैं बीमारी का इलाज उनको होगा। खट्टर जी ने कहा मेरी हरियाणा के सारे गरीब उसमें पूरे नहीं होते, तो उसने कहा मैं एक और कार्ड दूंगा जिसका नाम होगा चिरायु कार्ड, और वो चिरायु कार्ड जिसकी इनकम
180,000 तक की होगी, उसको खट्टर जी ने, मनोहर जी ने कार्ड दिया जिसका नाम है चिरायु कार्ड। और हर व्यक्ति का, आज आप में से अनेकों लोग होंगे, जानने वाले होंगे, जब मैं मुख्यमंत्री के साथ जनसंवाद के कार्यक्रम में जाता हूं तो मुख्यमंत्री जी पूछते हैं आपके जानने वालों का, आपके पड़ोस का, आपके घर में से किस किस का फ्री में इलाज हुआ। अनेकों लोग फ्री में इलाज होने वाले का हाथ खड़ा करके देते हैं। जैसे मैंने पूछा, ऐसे ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोई भी गरीब, जो वास्तव में गरीब है, कुछ दिक्कतें आई थी पीले राशन कार्ड में, कुछ की फैमिली इनकम में इनकम गलत हुई थी, पर मेरी टीम ने, जिसको हम जवाहर टीम कहते हैं, जिसके लोग कहते हैं कि हमें मंचों पे नहीं जाना, जिसके लोग कहते हैं कि हमें अखबारों में नहीं आना, जिसके लोग कहते हैं कि हमें फोटो में नहीं आना, ऐसे लगभग 300 से ऊपर कैंप लगाए हैं। यहां हमारे बहुत से आदरणीय सरपंच साहब बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, या जितने लोग यहां बैठे हैं, एक केवल मोहम्मद एडी को छोड़कर, केवल मोहम्मद एडी को छोड़कर, क्योंकि वहां मेरे छोटे भाई ललित त्यागी के भाई की डेथ हो गई थी जिस दिन कैंप लगना था, केवल एक मोहम्मद एडी को छोड़कर बादशाहपुर विधानसभा का और एक तेजपाल तंवर का गांव जहां जवाहर टीम ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और मोदी की योजनाओं को ले जाने का काम ना किया। आज मुझे मिली एक, उसका वीडियो देखा मैंने, रज्जो चाची का, वो पैम्फलेट निकालती है, अब तो लोग नहीं रखते यहां, पहले हमारी दादी मामी अधिकतर पर्स यहां रखती थी, उसका मैंने वीडियो देखा, वो पर्स में यहां से निकाल के, पर्स निकालते हैं उसमें से एक पैम्फलेट निकालता है। उस पैम्फलेट में लिखा है कि मुझे इस जवाहर भाई से बिना, जो पीले राशन कार्ड वाला कहता है। तो ये आप लोगों की ताकत है जितने लोग ये बैठे हैं, और उस वीडियो को केवल मैंने नहीं देखा, केवल आप जैसे भाइयों ने नहीं देखा, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी उस वीडियो को देखा है। यह आपकी मेहनत और आपकी टीम की ताकत है। मुझे मालूम है मेरे बोलने का, तो मैंने तय किया था मैं पौना घंटा बोलूंगा, पर पौना घंटा मुझे लगता है कि एक तो मुझे भी आगे जाना है और दूसरा आप लोग भी बहुत देर से मेरे साथ हैं। एक और चीज मैं कहता हूं, मुझे पीड़ा होती है, आज जब यह पता कि जवाहर टीम की यहां सभा होने वाली है, पद यात्रा होने वाली है, तो एक व्यक्ति जो कहता है कि छोटी वोट मेरी जेब में है, मुझे लगता है उसको तमाचा मारना चाहिए, जो किसी किसी वोट को छोटी बताता है। वोट वोट होती है, और जब हम किसी को कहते हैं छोटी वोट है तो हम गरीब का अपमान करते हैं, हम दलितों का अपमान करते हैं। उसने पूरी कोशिश की, हरिद्वार के नाम पर मेरे मम्मी के गांव में, उसने मुलेड़ा गांव है वहां उसने 7 बसें भेजी कि सबको हरिद्वार लेके चलो। काटकपुरी में उसने 8 बसें भेजी हरिद्वार लेके चलो। उसने काली आवास में भेजी, उसने दरबारी परिवज में भेजी, उसने नरसिंहपुर में भी भेजी होगी, उसने सुल्तानपुर में भी भेजी है। पर मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जो कहा भाई हमने उसकी बसें खाली जाने दी, हम बिकने वाले लोग नहीं है, हम तो अपने भाई के साथ खड़े हैं। तो मैं ऐसे सब गरीब को, सब गरीब को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कहा कि हरिद्वार जब मां गंगा बुलाएगी हम चले जाएंगे, और जो वहां गए उन्होंने वहां से भी फोन किए, भाई जा तो हम इसकी बस में रहे हैं, हमने एक बार बरत के देख लिया, 5 साल में कहीं दिखा नहीं, चिंता ना करो, इस बार बस इसकी इस्तेमाल करेंगे और वोट कमल के फूल को देंगे, इस बार इसको सबक सिखाएंगे। जो व्यक्ति कल तक कहता था जी मैं आपके बीच में आके सोता हूं, अभी यहां दौलताबाद के लोग मिले हैं, कुछ दौलताबाद के लोग उधर है हाथ खड़ा कर रहे हैं, इधर भी है लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, इन्होंने एक दिन मुझे बुला लिया कि भाई साहब आपको चाय पे बुलाते हैं। मैंने कहा भाई दौलताबाद के लोग बुलाने, चाय पे जाना चाहिए। अच्छा मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ राजनीति कर रहे हैं। मैं आ गया दौलताबाद में, ऐसा नरक है, कहीं पता नहीं नाली कहां है और सड़क कहां है, किसी पे एक सफाई कर्मचारी मुझे वहां नहीं मिला, पानी ऐसा बह रहा था, और इन्होंने मुझे एक पार्क दिखाया, उसका वीडियो मेरे पास है, इनका जो हेल्थ सेंटर है उसके सामने एक पार्क था जहां
घास नाम की चीज नहीं और केवल पांच पांच सात सात फुट गंदा पानी भरा था, तो ये तो मेरे दौलताबाद के लोग थे। उस दिन इन्होंने कहा कि भाई साहब अब हम आज से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो इसमें वर्तमान सरपंच भी है भाई, हाँ वर्तमान सरपंच भी है। उन्होंने कहा जवाहर भाई हम तो काम करने वाले के साथ आएंगे, हमारा एक ही जाति है, हमारा एक ही गांव है, जो काम करेगा वो हमारे दिल में बसेगा। तो इन्होंने रज्जो चाची की तरह पैम्फलेट तो नहीं बसाया, पर हनुमान की तरह जवाहर यादव को अपने दिलों में बसा लिया। ऐसे दौलताबाद के लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक डील में 42-42 करोड़ रुपए कमा ले तो मुझे लगता है वो जिस गरीबों के कंधे पे वहां गया था, वक्त आ गया, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वक्त आ गया, चाहे वो बासापुर विधानसभा में हो, चाहे वो गुड़गांव विधानसभा में हो, चाहे वो सोनना विधानसभा में हो, चाहे वो कलोई विधानसभा में हो, चाहे सिरसा विधानसभा में हो, जिसने गरीबों की भावनाओं से खेला है 90 की 90 सीटों पे उसको जवाब देना है। देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने गरीबों के घर में आया सोया, आज वो हमारे बीच नहीं आते। हमने किसलिए चुना? और मैं अपनी एक चीज और कहना चाहता हूं, राजनीति में मेरा सफल होना, इधर इधर इधर, अरे इमानी के साथ और सुनिश्चित बाद में प्यार कर लेना, बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, हाँ रजनी है इमानी है सब ध्यान में आ गए मुझे, एक रजनी को कह रहा हूं दो रजनी है जिसको है वो कह दिया। हाँ देखो, मेरा राजनीति में स्थापित होना आपके लिए किस लिए जरूरी है वो समझाता हूं। कोई व्यक्ति आपके बीच आता होगा, वो कहता होगा मैं एमएलए रहा, मैं मंत्री रहा, मेरे पिताजी रहे, मेरे दादाजी रहे। एक व्यक्ति कहा होगा कि मैंने इतने करोड़ों रुपए बांट दिए और मैंने बादशाहपुर विधानसभा का हर एक गरीब को खेल लिया, उसको ये नहीं पता कि गरीब कभी भिकता नहीं है, तुमसे प्यार समझाता है, गलतफहमी में दे दी होगी वोट। मेरा राजनीति में स्थापित इसलिए होना जरूरी है, आप जितने लोग यहां बैठे हैं आप में से कोई कह सकता है आपका पिताजी एमएलए रहा हो? आप में से कह सकता है कि कोई आपका दादा एमएलए रहा हो? ना मेरा पिताजी एमएलए रहा, ना मेरा दादा एमएलए रहा, ना मेरा भाई एमएलए रहा। अगर जवाहर यादव बनेगा तो आप कह पाओगे कि आपका भाई है, इसलिए जब मैं बनूंगा तो आप कह पाएंगे कि एक कमरे से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मेरा छोटा भाई भी है, मेरे दो बच्चे हैं, उन्होंने वो कमरा नहीं देखा, कई बार मेरे मन में होती है कि उनको भी वो दिखाऊं कि जिंदगी का संघर्ष कैसे शुरू किया था। परंतु जो लोग यहां पर है ये वो लोग हैं जैसे हम, मेरे माता पिता और हम चार बहन भाई एक कमरे से यहां पहुंचे हैं, तो मैं यहां पहुंचूंगा, इससे आगे पहुंचूंगा, तो ये जितने एक कमरे में रहने वाले लोग हैं, दो कमरे में रहने वाले लोग हैं, जिनको ये अपमानित करते हैं कि ये छोटी वोट वाले लोग हैं, जिनको अपमानित करते हैं कि ये किसान है, उनका बच्चा भी राजनीति में सफल हो सकता है। अगर मैं सफल होता हूं तो आपके बच्चों के भी राजनीति में सफल होने की गारंटी होगी, ध्यान रखना, क्योंकि मेरा संघर्ष वही संघर्ष है जो आपका संघर्ष है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है जिसको गरीब का हक समझ में आता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। आज हम जीत कर भी अपने घर बैठ जाते हैं, कोई है या काकरोला भांगरोला का है तो हाथ खड़ा करो, अरे तो सरपंची साहब रहते हैं, पीछे राय होने वाले ओएसडी में केवल एक साल रहा हूं, और जब मैं इनके यहां गया था तब मैं ओएसडी भी नहीं था, आज भी मैं ओएसडी नहीं हूं, चार साल बाद आ जाते हैं पानी है वो। आज इनके यहां जाओगे, इनके यहां तो ये स्थिति हो गई थी, काकरोला में तो मेरी बहने हैं, मेरी बुआएं हैं, मेरी बेटियां हैं, हमने तय कर लिया था कि इनके यहां छोरी नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कह के लिया इनके ऐसे हालात है काकरोला में, जब मैं गया तो 40 बहने हैं वहां, मेरी बुआ बहने बेटियां 40 थी काकरोला में जब मैं गया, इन्होंने मुझे घेर लिया, भाई ये तो जैसे है वैसे, इनमें तो कुछ दम है नहीं, क्योंकि ये तो किसी को पकड़ नहीं सकते कि चार साल से यहां गंद बह रहा है, पर आप किसी का, मैं वहां भतीजा लगता था, किसी का भाई लगता था, किसी का चाचा लगता था,
वहां मैंने सबके सामने वादा किया था, सरपंच ईश्वर के सामने किया था, चाहे राजू भाई के सामने किया था, ये भांग रोला के थे, एकांत रोला के थे, आज दोबारा से हमने रिश्ते करने शुरू कर दिए इनके, बीच में रोक दिए थे। तो पास हो गई होगी 11 कॉलोनियां जो पाइपलाइन में है, कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के आदेश पर उनके आशीर्वाद से 11 की 11 कॉलोनियां वो पास कराऊंगा। एक और बताता हूं सुल्तानपुर लेक के चलते गड़ी साजराना, इसकी कुछ कॉलोनियां पास हो गई थी, परंतु 5 किलोमीटर का दायरा है, सेंटर का नियम है, वो कॉलोनियां पास नहीं हो सकती। परंतु जब हमने तय किया कि 3 किलोमीटर के बाद अगर हम सरकार लाइसेंस दे सकती है तो ये भी पास कराते हैं। तो जो मेरे मित्र यहां सुन रहे हो, जो 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, 3 से 5 किलोमीटर के बीच में रजनी तेरी कॉलोनी आती है, तेरी भी कॉलोनी पास कराकर दम लेंगे हम, आप चिंता नहीं करना। और ये मैं कहता हूं, और केवल है यहां अगर कोई न्यू पालम यार से आया हो, कोई यहां न्यू पालम, कितनी मेहनत करनी पड़ी और आगे आने वाले टाइम में कितनी और कॉलोनियां पाइपलाइन में? देखिये फरूखनगर की हमने 8 कॉलोनियां पास कराई है, 11 भी पाइपलाइन में, उनकी एक एक की आपत्तियां हम उठवा रहे हैं। इसके अलावा न्यू पालम विहार में 242 एकड़ में अनेकों कॉलोनियां पास कराई हमने, धुमसपुर में वैष्णो एन के कॉलोनी पास कराई हमने, एवेन्यू 69 पास कराई हमने, मोहाल कॉलोनी पास कराई, और छोटे छोटे पैच थे वो सब पास कराए। आज तक हरियाणा के इतिहास में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लगभग 1800 से ऊपर कॉलोनियाँ पास करा चुके हैं, और मैक्सिमम गुड़गांव की जितनी कॉलोनियाँ हैं, और मैं आज एक और कमिटमेंट करता हूँ, सुल्तानपुर लेक के चलते कुछ कॉलोनियाँ हैं जिनको हमने पास किया था, सेंटर की आपत्ति उसमें लगी है, उसमें भी हम माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे कि 3 एकड़ में अगर हम लाइसेंस दे रहे हैं तो 3 से 5 एकड़ के बीच अगर उसमें भी हो सकती है वो भी पास कराएंगे इन सबके। और इन्हीं कॉलोनियों वालों ने आज मुझे यहाँ आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का और मेरा आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ बुलाया था। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, कैसे देखते हैं आप इसे? उसका भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, 10 की 10 लोकसभा सीट मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिताकर, मनोहर लाल खट्टर जी जिताकर मोदी जी की झोली में डालेंगे। हरियाणा की टिकट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, कोई भी जो भी दावेदार हैं अभी कब तक लगता है, कब तक दावेदारी जो है? मुझे लगता है जल्दी हो जाएगी, 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको हम नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड कहते हैं, उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। मुझे लगता है शायद उसके बाद या उससे पहले कभी भी होती है, सेंटर तय करता है। आज फरूखनगर से आपने कई तीर चलाए हैं जो कि बादशाहपुर विधानसभा के कई नेताओं के लिए थे, कैसे आप मानते हैं कि आपकी आज इस जनसभा को फेल करने के लिए साजिश रची गई है? देखिए जिनका काम है, मैं किसी पर तेज नहीं चलाता, मेरा काम अपने दिल से बात करता हूँ। राजनीति में कुछ लोगों का ये मापदंड होता है कि लोग ना जाए, परंतु कितने लोग आए आप सबने आज देखा है, और मुझे लगता है कि फरूखनगर में अपने आप में एक इस तरह की पहली कोई पदयात्रा रही है जो फरूखनगर के सीनियर लोग जैसे बताते हैं, सैनी जी है, अरोड़ा जी है, बाकी सब लोगों ने बताया। मुझे लगता है कि किसी की साजिश का इस बार 2024 के चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला, और हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में रहकर कभी पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकते, पार्टी हमारी माँ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल बादशाहपुर विधानसभा में खिलेगा। सर, बादशाहपुर में लेकिन काफी सारे उम्मीदवार जो हैं वो ताल ठोक रहे हैं, आपको लगता है आप जो कार्य कर आपने किए हैं लोगों के लिए उसकी बिहाफ पे आपको टिकट मिलेगी? हाईकमान ने तय करना है, पर निश्चित रहिए भारतीय जनता पार्टी का मैं एक वचन आपको देता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बादशाहपुर विधानसभा पे कमल खिलेगा। जो लोग पार्टी ने आइडेंटिफाई किए हैं, जिन्होंने उस समय पार्टी में मदद नहीं की थी वो, और जो किसी कारण से किसी समीकरण से आज चीज़ें हो गई थी, मैं कहना नहीं चाहता, लोगों ने अजमा कर देख लिया है। आज एक चेहरा ऐसा है जो लोग अजमाना चाहते हैं, अगर मुझे पार्टी अवसर देगी तो निश्चित रूप से मैं ये वादा करता हूँ कि कमल बादशाहपुर में 100% खिलेगा। सर दो तीन बार आपने मीडिया के सामने कह दिया कि भाई फरूखनगर की 8 कॉलोनियाँ पास है, लेकिन यहाँ की जनता आज भी दहशत में है कि कोई भी विभागीय लेटर किसी के पास नहीं है कि भाई कॉलोनियाँ है या नहीं है। ऐसा है, 8 की 8 कॉलोनियों का लेटर मैं दे चुका हूँ जी, आपको चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा
मंगल और बुध तक जितनी ये कॉलोनियाँ मुख्यमंत्री जी ने लास्ट पास की थी 1 जनवरी को अनाउंस की थी, उन सबका नोटिफिकेशन लगभग मेरी आज भी यहाँ आने से पहले अधिकारियों से बात हुई, सोम मंगल बुध में कभी भी इन सबका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा।